So hello everyone, welcome to my channel. In the last video we have covered various types of adventure training, sports, camps or programs which are conducted under training B of NCC. So आज इस वीडियो में हम देखेंगे सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट होते हैं NCC में. The NCC certificate examination are conducted by the NCC unit, groups and directorates every year. जो NCC के सर्टिफिकेट examinations होते हैं ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं by NCC units, groups and directorates which are present in their state हर साल. Type of examination, the type of certificate examinations and the responsibility for their conduct is as under. So this is a chart which is given that certificate A जो होता है वो unit में किया जाता है, जो हमारी OC units होती हैं which is like a transit camp. जो certificate B के examinations होते हैं वो group headquarters में conduct किए जाते हैं और certificate C के examinations state directorates में conduct किए जाते हैं. Now eligibility condition for certificate examination. The eligibility conditions for various NCC certificates is as under. Certificate A के लिए the candidate must have attended a minimum of 75%, यानी कि आपकी attendance training में 75% होनी चाहिए. Break in NCC service of the cadets prior to his appearing in the examination should not exceed more than 12 months at one time and the candidate must have attended one ATC, that is annual training camp. Certificate A के लिए आपकी minimum attendance 75% होनी चाहिए और जो ब्रेक है आपकी ट्रेनिंग में वो 12 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उसने जो कैडेट है उसने एक वन एनुअल ट्रेनिंग कैंप को अटेंड किया रहना चाहिए. नाउ सर्टिफिकेट बी, द कैडेट मस्ट हैव अटेंडेड अ मिनिमम ऑफ 75% ऑफ टोटल ट्रेनिंग पीरियड सिमिलर एज पर द अटेंडेंस, कि 75% आपकी ट्रेनिंग में अटेंडेंस होनी चाहिए. फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ सीनियर डिविजन. ब्रेकिंग एनसीसी सर्विस शुड नॉट बी मोर देन 12 मंथ्स. कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंडेड वन एटीसी, दैट इज एनुअल ट्रेनिंग कैंप. उसके पास ए सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें 10 बोनस मार्क्स अवार्ड होते हैं एंड फॉर एन एयरविंग कैडेट इट मस्ट बी डू मिनिमम ऑफ 10 ग्लाइड लॉन्चेस. सो ये कुछ एग्जामिनेशन या फिर कुछ पैरामीटर्स हैं जिन पे सर्टिफिकेट बी को कंडक्ट किया जाता है. नाउ सर्टिफिकेट सी, द कैडेट मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ सर्टिफिकेट बी. सर्टिफिकेट सी के लिए आपके पास बी सर्टिफिकेट होना चाहिए. कैडेट मस्ट बी इन द थर्ड ईयर ऑफ एसडी और एसडब्ल्यू ऑफ एनसीसी ट्रेनिंग. आपकी ट्रेनिंग का थर्ड ईयर होना चाहिए. 75% की अटेंडेंस होनी चाहिए. ब्रेक शुड नॉट बी मोर देन द 18 मंथ्स ड्यूरिंग द एनसीसी ट्रेनिंग एंड द कैडेट मस्ट हैव अटेंडेड वन एटीसी. एक एनुअल ट्रेनिंग कैंप होना चाहिए और उसके अलावा इनमें से कोई सा भी एक कैंप जिसमें से हमारे एनुअल ट्रेनिंग कैंप आते हैं आरडी कैंप एट दैट इज आरडीसी, सीओसी सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइज, पैरा ट्रेनिंग कैंप, डीजीएनसीसी, एनआईसी, नेशनल इंटीग्रेशन. इन कैंप में से भी आपको एटलीस्ट वन ऑफ द कैंप यू हैव टू बी नेसेसरी टू अटेंड टू बी एलिजिबल फॉर सर्टिफिकेट सी एग्जामिनेशन. एनी कैडेट पार्टिसिपेटिंग इन एनआरआई मैचेस एज पर डीजीएनसीसी टीम स्पेशल सर्विसेज कैंप असेंशियली विद 50% सर्विस ट्रेनिंग सक्सेसफुली डन स्कूबा डाइविंग कोर्स अटेंडेड यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम एंड फॉरन क्रूज नेवी. सो इनमें से अगर आप कोई भी एक्टिविटी लाइक अ सिंगल वन ऑफ एक्टिविटी अगर आपने परफॉर्म कर रखी है सो आप सर्टिफिकेट सी के एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल हैं. नाउ ग्रेडिंग, अ कैडेट हैज टू ऑब्टेन 45% मार्क्स इन ईच पेपर एंड 50% मार्क्स इन एवरी ग्रेड टू पास द एग्जामिनेशन. तो अगर आपको एनसीसी के सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन को पास करना है सो हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम आपके 45% आने चाहिए और इन टोटल फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स आपका 50% एवरी ग्रेड रहना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 100 मार्क्स के चार पेपर होते हैं सो इन ईच पेपर यू हैव टू अटेंड यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 45 मार्क्स इन ईच फोर पेपर और उन फोर पेपर का जो टोटल है वो 400 का 50% होना चाहिए. सो दिस इज द क्राइटेरिया टू पास द एग्जामिनेशंस. नाउ अब ग्रेडिंग किस बेसिस पर होती है एनसीसी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस में. अगर आपको ग्रेड ए मिलता है दैट मींस यू हैव स्कोर्ड 80% और अबव मार्क्स. अगर आपको ग्रेडिंग बी मिलती है सो यू हैव स्कोर्ड 65% अबव बट लेस देन 80. एंड अगर आपको सी ग्रेडिंग मिलती है सो यू हैव स्कोर्ड मोर देन 50% मार्क्स बट बिलो 80%. And if you are not able to justify the criteria of attaining 45% marks in each paper and 50% in aggregate, then you will be considered fail in these examination. So this is it for this video. This is a very short and crisp video regarding the certificate examinations and the grading procedure in NCC. I hope you are able to understand. Thank you so much for watching this video.